अगर आपका भी है डेस्कटॉप ख़राब, नहीं आ रहा है उसमें कोई डिस्प्ले, तो आप घर बैठे, अगर आपके पास में कोई समाधान नहीं है तो आप छोटे मोटे फॉल्ट घर में बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वो हैं छोटे मोटे फॉल्ट जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे मदरबोर्ड्स देख रहे होंगे। इन मदरबोर्ड्स की दो, मैंने यहाँ पे दो तरह के मदरबोर्ड्स रखे हैं आपके सामने, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि भाई आपके मदरबोर्ड किस टाइप के हैं। अमूमन सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशनल चेंजमेंट होता है, वो देखते हैं हम। अब जैसे सपोज़ करो आपके इसमें कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, आपके कंप्यूटर पे कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, आपने चेक करनी है इसकी रैम। ये है मेरे हाथ में रैम है, ये रैम्स हैं आपके, इन रैम्स को चेक करना है। इन रैम्स को कभी कभी क्या होता है, इनमें जो है कार्बन आ जाता है। तो यहाँ पे ये है आपके रैम स्लॉट, ये रैम स्लॉट है आपके। इस रैम स्लॉट को आपने साफ करना, कभी कभी क्या होता है डस्ट होने की वजह से या फिर रैम लूज़ होने की वजह से भी जो है आपका कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आता है, आपका कंप्यूटर वर्कआउट नहीं करता। तो यहाँ पे एक तो ये कर सकते हैं, आपके रैम को साफ कर सकते हैं, या कोई रबर वगैरह लेके आप जो है इसको क्या क्लीनली आप साफ करें, और या फिर इसमें डस्ट उग रहा है तो इसको डस्ट उग्रो साफ करें। अगर आपने रैम लगा दी और फिर भी जो है आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो फिर कारण हो सकता है कि आपका यहाँ पे देखिए मेरे सामने यहाँ पे आपको यहाँ पे ये VGA नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका VGA है। हो सकता है आपका मॉनिटर यहाँ पे लूज़ कॉन्टैक्ट हो, पहले उसको भी चेक कर लें। अगर मॉनिटर लूज़ कॉन्टैक्ट नहीं है तो ये सब चीज़ें पहले चेक कर ली है आपने, कनेक्टर तो पहले चेक कर लेने हैं। कोशिश ये करना है कनेक्टर्स का, पहले चेक करने की कोशिश करनी है कनेक्टर्स को कि आपका VGA केबल ठीक से लगा है नहीं लगा है, और आपका पावर, पावर तो जैसे सपोज करो पावर केबल भी चेक करना है। कभी कभी ये वो होता है क्या है कि पावर केबल फॉल्टी होता है, तो इस वजह से भी आपका डिस्प्ले नहीं आता। तो छोटे मोटे फॉल्ट्स हैं। अब आपने अगर पावर केबल ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, और अब आप बोलोगे सर पावर केबल अगर ठीक है तो कैसे चेक करें। देखिए आपका घर में अगर कोई स्पेयर पावर केबल है तो उससे आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके घर में कोई मल्टीमीटर से उग रहा है तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिविटी आप उसकी चेक कर सकते हैं, कनेक्टिविटी क्या है इसकी, कंडक्टिविटी क्या आ रही नहीं आ रही, ये भी सी आप चेक कर सकते हैं। अब अमून बात करते हैं, अमून जो फॉल्ट होता है मेजर फॉल्ट 99% केसेस में रैम का ही होता है, रैम आपका कार्बन आ जाता है, तो कार्बन की वजह से जो है आप में इसमें डस्टिंग वगैरह होने से, या तो लूज़ होने की वजह से, या डस्टिंग होने की या कार्बन होने की वजह से जो है रैम का प्रॉब्लम आता है। ये अगर प्रॉब्लम आपका ठीक है, अगर आपका रैम वगैरह ठीक है, तो आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका VGA, अगर ये भी आपका कनेक्टिविटी वगैरह भी ठीक है, यहाँ पे आप फिर अपना डीपली जो है आप अपने मदरबोर्ड को चेक करेंगे। इसमें देखो कई सारे कैपेसिटर्स वगैरह लगे हुए हैं, इन कैपेसिटर्स को आप डीपली चेक कर लो कि कहीं कोई कैपेसिटर जो है आपका ब्लास्ट तो नहीं है इसमें, या मेल्ट तो नहीं है। तो इस तरह से आप छोटे मोटे फॉल्ट पहले ये चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद इतना डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको उतना नॉलेज नहीं है। तो आप अमूमन ये देखिए कि आपका जो है रैम, रैम फर्स्ट है, उसके बाद जो है अमूमन प्रोसेसर, प्रोसेसर तो आपको बता दूं कि 99% केसेस में प्रोसेसर कभी भी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोसेसर का आप उतना टेंशन ना लें, प्रोसेसर 99% केसेस में ख़राब नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, रैम और आपने कंप्यूटर की कनेक्टिविटी, केबल कनेक्टिविटी अवश्य चेक करें आप लोग, और रैम को प्रॉपरली जो है इसको साफ करें प्रॉपरली, इसको रबर ले लें, एक रबर से आप अच्छे से साफ कर सकते हो उसके कार्बन को, इसमें क्यों कार्बन आने की वजह से भी ये हो जाता है। तो इसी तरह से जो है कई सारे फॉल्ट्स होते हैं आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, आप किस तरह की रैम्स हैं क्या हैं। कई बार क्या होता है आपके अगर रैम ख़राब है तो बोले सर रैम ख़राब है, आप कैसे सॉर्ट आउट करें कि रैम ठीक है नहीं है, तो आपके पास में दूसरी रैम देखो उसका, अगर आपके इसमें दोनों स्लॉट में रैम है तो आप तो एक एक करके एक रैम को निकाल के देख लो, उसमें हो सकता है एक रैम खराब हो एक ठीक हो तो आपका कंप्यूटर काम करे। अगर हो सकता है दोनों रैम में कार्बन आ गया हो या तो दोनों रैम को साफ कर लें ठीक हो, फिर भी ठीक नहीं होता, फिर आपका एक ही वो है कि आपने रैम जो है दूसरी रैम इसमें इंसर्ट करके देखनी है। अगर ये आपके दूसरी रैम से अगर आपका कंप्यूटर चल पड़ता है तो फिर
ठीक है। नहीं, अगर फिर अभी अगर आप दूसरी रैम चेंज करके अगर आपका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है तो फिर आपका फॉल्ट फिर कहीं अदर सेक्शंस में है। फिर आपको जो है, आपको मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको डेप्थ नॉलेज नहीं है तो आप फिर मैकेनिक सुग्रो के पास में आप अपने पीसी को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि अलग अलग तरह की रैम्स, कितनी टाइप की रैम्स होती हैं, उन रैम्स का क्या काम होता है। क्योंकि हम उन बोलते हैं ना कि भाई रैम्स रैम देखो, अलग अलग टाइप की रैम्स हैं इसमें, तो रैम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रैम्स है। तो उस रैम्स के बारे में पूरा डीपली हम अगले वीडियोज में बात करेंगे। फिलहाल ये छोटे मोटे फॉल्ट्स हैं, इसको आप जो है सीख सकते हैं। धन्यवाद।